हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स में और अभी हम लोग देखने वाले हैं जो भी इकोनॉमिक्स में रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं। कुछ हमारे ग्राफ आप लोगों ने देखे भी होंगे, जैसे कुछ नेट कर्व हो गए या फिर फिलिप्स कर्व हो गया या फिर लैफर कर्व हो गया, गिनी कोफिशियंट होगा। तो इन लोगों के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ नाम सुने होंगे। इनफैक्ट इसके बारे में काफ़ी आपको क्यूरियोसिटी भी हुई होगी कि आखिर में क्या चीज़ है, कैसे हैं, इनका यूज़ क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से करने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर में जो ये कर्व वगैरह है इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि बिना सिग्निफिकेंस के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये रट्टा मारना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जरा सीखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इन्फ्लेशन पे आखिर में क्या एक कर्व निकल के आती है जिसको बोला जाता है फिलिप्स कर्व। पहले आप लोग थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद से आपको ये पूरे कर्व के बारे में बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इन्फ्लेशन का कर्व ही समझते हैं। इन्फ्लेशन को समझने के लिए मैं कहूंगा कि COVID-19 इज द बेस्ट वे, सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आपको ये पता है कोविड के कारण से इस समय हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है, या कह लीजिए कि स्टैग्नेंट हो गई है या अभी डिसलरेट हो गई है, रुक गई है। डिसलरेट होने के कारण से अभी क्या है, चूँकि जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज मुनाफा कमा नहीं पाई हैं, प्रॉफिट कमा नहीं पाई हैं, जिसके कारण से अब इनको सैलरी देना बहुत मुश्किल हो गया है, सैलरी देना मुश्किल हो गया। तो ऑब्वियसली सैलरी देने के कारण से हुआ क्या है, इकॉनमी में शॉर्टेज आ गई है, इकॉनमी में शॉर्टेज आ गई है। यानी अब इकॉनमी में शॉर्टेज का मतलब क्या है, बाहर से पंपिंग करनी पड़ेगी, इकॉनमी में पैसे को पंपिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दे दिया गया है। तो बेसिकली बाहर से एक पंपिंग कर दी गई है इकॉनमी में। इकॉनमी में पंपिंग करने पे ऑब्वियसली हमें इन्फ्लेशन ये काफ़ी हाई रेट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है वो एक दूसरे को रीएडजस्ट करेगा और अल्टीमेटली एक इन्फ्लेटेड अमाउंट में हमें चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। दिस इन्फ्लेशन इज गुड समटाइम्स बट ऑल्सो बैड फॉर समटाइम्स। अगर हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में देखें तो इन्फ्लेशन अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो दिस इज गुड, बढ़िया हो जाता है। क्यों बढ़िया हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच हो जा रहा होता है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री अपनी नई नई सब्सिडियरी लगा रहे होते हैं। नई नई सब्सिडियरी लगाने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जा रहा होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में जितनी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है उतनी ही सेविंग्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं लोगों के पास में, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली इंडस्ट्री को फिर प्रॉब्लम सहना पड़ता है, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही होती है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने रीज़न देखा आखिर में इन्फ्लेशन का क्या रीज़न हो सकता है, इन्फ्लेशन के क्या आउटकम आ सकते हैं। तो यानी कि इन्फ्लेशन हमें एक लिमिट में रखना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग मार्केट को कम्पिटिटिव बना सकते हैं। यानी एक बात श्योर है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है। अगर वो इन्फ्लेशन, अगर मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन सपोज बहुत कम है मतलब इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट पोजीशन में चल रही है, स्टैग्नेंट पोजीशन में चलेगी तो ऑब्वियसली जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी वो नए एम्प्लॉयमेंट लगाएंगी नहीं और अपने ही एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगी। तो अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर इकॉनमी में स्टैग्नेशन आ गया है। तो अगर ये पूरी थ्योरी अगर आप समझ गए हैं तो अब जरा देखिएगा आपके कर्व में, फिलिप्स कर्व, ये पूरी की पूरी बातें फिलिप ने अपने कर्व में दिखाया। इन्होंने कहा देखिए जो इन्फ्लेशन रेट है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हमें कर्व देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर कर्व देखेंगे आप, अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन रेट कम है तो इन्फ्लेशन रेट कम होने पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों, ये वाला रीज़न, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेंट होती आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जाएगा। अगर वही बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इन्फ्लेशन एक लिमिट तक रख दें तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्री खुलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन अगर एक समय के बाद बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक दिस वाला, ये वाला टर्म,
तो क्या हो जाएगी, अगेन इकोनॉमी स्टैग्नेट हो जाएगी और कितना भी इन्फ्लेशन रखने के बावजूद में भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एक सेक्शन तक बना रहेगा, और उसके बाद मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म था हमारे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने एक काफी डिटेल्ड वर्जन में देखा, और यही डिटेल्ड वर्जन हमें फिलिप ने भी बताया था। तो फिलिप्स कर्व बेसिकली शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इट इंडिकेट दैट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एन इकोनॉमी हैज टू एडजस्ट इट्स हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। और यही रीजन है कि हमें इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बेसिस पे रखना पड़ जाता है। मतलब ये इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में वैरी कर सकती है। क्लियर हो गया क्या चीज है पूरे फिलिप्स कर्व का मतलब? तो आप ये याद रखिएगा कि फिलिप पर दिस इज रिलेटेड विद इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये पूरा कर्व हो जाता है। अगर आप सिग्निफिकेंस समझे रहेंगे तो आपको कभी भी कर्व याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद आता है लैफर कर्व। लैफर कर्व जो है ये होता है टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा टैक्स बेस है, दिस इज आवर टैक्स बेस, जहां पर मान लेते हैं कि 5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है। 10% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है। आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। मान लेते हैं ये हमारा टैक्स है। गवर्नमेंट क्या है, मान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में काफी ज्यादा गुजर रही है। गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट में गुजर रही है। फिस्कल डेफिसिट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा, जो 5% वाला 10% पे चला गया, 10% वाला 20% पे चला गया, और 30% वाला मान लेते हैं कि 50% पे चला गया। एक समय क्या होगा कि ये टैक्स बढ़ते रहेगा तो ये लोग तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि ये टैक्स रेट बढ़ाने के बावजूद भी जो टैक्स रिवेन्यू है वो अब नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अब इनकी क्षमता नहीं बची है कि वो टैक्स दे सकें। अब वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना शुरू कर देंगे। यानी कि टैक्स रिवेन्यू एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी और उसके बाद से गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इन लोगों के अंदर वो पोटेंशियल नहीं बचा है कि वो लोग अपना पूरा का पूरा पैसा दे सके, मतलब कि टैक्स रिवेन्यू दे सके। और यही पूरी की पूरी चीज जो होती है लैफर कर्व में डिस्कस की गई है, जहां पर टैक्स के रेट को बढ़ाने से पहले शुरू में तो अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है इनको अपना प्रोग्रेस करना है, लेकिन फिर भी अगर टैक्स रेट आप बढ़ाते जा रहे हैं तो ये गिर जाएगा। और यही गिरने को बोला जाता है कि ये फिस्कल, दिस इज कॉल्ड एज एक टर्म बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिस्कल क्लिफ। फिस्कल क्लिफ, क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इसके बारे में जरा फटाफट देख लीजिए क्या है। लैफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। इट्स मैसेज इज दैट इफ द टैक्स इज फिक्स्ड एट एन ऑप्टिमम रीजनेबली लो लेवल, टैक्स रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो एक लेवल तक ही केवल और केवल टैक्स रेट को लेकर के जाया जाता है, तभी आपका रिवेन्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके पहले और उसके बाद हमेशा आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारी कर्व आती है, दिस इज रिलेटेड विद कुजनेट्स कर्व, इसको बोला जाता है कुजनेट्स कर्व। अब ये होती क्या है कुजनेट्स कर्व के बारे में? देखिए कुजनेट्स कर्व ये बोलता है ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बारे में है। ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बारे में, जैसे यहां पर यह कहा जाता है कि देखिए अगर पर कैपिटा इनकम, सपोज दिस इज पर कैपिटा इनकम, मान लेते हैं एक हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम लगातार लोगों की बढ़ते आ रही है, दिस इज पर कैपिटा इनकम बढ़ते आ रही है लोगों की, तो पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से क्या इनइक्वालिटी, क्या ग्रोथ बढ़ते जाती है? तो नहीं। कैसे? देखिए जब शुरू में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा अपना अपना डेवलपमेंट करेगा, चाहे वो हायर लोअर क्लास का हो वो भी अपना डेवलपमेंट करेगा, चाहे वो मिडिल क्लास का हो वो भी अपना डेवलपमेंट करेगा, और चाहे वो हायर क्लास का हो ये भी अपना डेवलपमेंट करेगा। तीनों ही अपना डेवलपमेंट कर रहे होंगे पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से। तो हमें शुरू में तो अच्छा खासा डेवलपमेंट ग्रोथ ही देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक समय क्या होगा कि लोअर वाला, जैसे क्या है कि एक हर एक बंदे का अपना एक स्टैग्नेशन, एक सैचुरेशन है। अब जैसे मुकेश अंबानी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो अब सैचुरेशन लेवल पे आ चुके हैं। तो जब हायर क्लास है मतलब उसने ऑलरेडी इतना अचीव करके रखा हुआ है, मिडिल क्लास ने इतना अचीव करके रखा है, लोअर क्लास ने इतना अचीव करके रखा है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ाई गई, मान लेते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ाई गई, तो ये इनका लेवल बढ़ने के लिए इतना ज्यादा स्कोप है, स्कोप अच्छा खासा है। अगर बात करें मिडिल के लिए तो इनका स्कोप केवल और केवल इतना है इंक्रीज करने का, और हायर क्लास के लिए और भी बहुत कम है। तो एक समय शुरू में जब होगा, शुरू में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाएगी तो ऑब्वियसली सब लोग अपना ग्रोथ कर रहे होंगे, लेकिन एक ग्रोथ करने के बाद में एक फेज आएगा जहां पर अब
हायर वाला अपना अचीव कर चुका है मैक्सिमम, अब मिडिल वाला करेगा, तो मिडिल और लोअर ये दोनों करेंगे, लेकिन अब जो रेट था वो कम हो जाएगा। और एक समय आएगा जब ये अपने सारे लोग अपने पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, मतलब कि अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लेंगे। इसके बाद से चाहे आप कुछ भी करिए, पर कैपिटा इनकम अब वो नहीं बढ़ेगी, अब वो घटना शुरू हो जाएगी। क्यों घटना शुरू हो जाएगी? क्योंकि अब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा आपस में लोगों का। और यही चीज बताई गई है इस पूरे के पूरे कर्व में, इस पूरे के पूरे हमारे कुजनेट्स कर्व में, जहां पर ये भाई साहब हमारे कुजनेट्स बोलते हैं, वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट, यहां पर बोलते हैं कुजनेट्स कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इक्वालिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनइक्वालिटी इंक्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे क्या होता है ना कि ग्रोथ जब कब तक होती है, जब तक लोग बैकवर्ड होते हैं, जब तक लोग पीछे होते हैं। जब लोग फॉरवर्ड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जब लोग फॉरवर्ड हो जाएंगे तो सब लोग सोचने वाले हो जाएंगे, तो ग्रोथ नहीं होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाता है। जैसे क्या है, कभी भी आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, डायनेस्टीज जब शुरू शुरू में आती है तो ग्रो करती है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपस में कंपटीशन रहता है और एरिया नया नया एक्वायर करने के लिए वो लगातार कंपीट करते रहते हैं। लेकिन एक बार जब ये पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरी की पूरी डायनेस्टी जब स्टैब्लिश हो जाती है, तो उसके बाद से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमी, या फिर कह लीजिए अब जो उनका साम्राज्य, जो डायनेस्टी है, वो अब बैकवर्ड से होकर के वो फॉरवर्ड हो गई है। अब वो स्टैग्नेशन आ जाती है और स्टैग्नेशन के बाद फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें जीडीपी में इस तरीके से हमेशा एक अप आती है तो हमेशा एक लो भी आती है, जब ग्रोथ होगी तो एक बार डिक्लाइन भी हो रही होती है। सिमिलर नेचर हमें कुजनेट्स कर्व में देखने को मिल रहा होता है। इसी तरीके से एक और कर्व होता है जिसको बोलता है इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। कुछ नहीं है, दोनों ही सेम है कि एक समय तक अगर मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू कह लीजिए कि सैचुरेट हो जाएगी और फिर घटना शुरू हो जाएगा। यानी प्री इंडस्ट्रियल में ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कोयला यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, जिसके कारण से इन्वायरमेंट डैमेज होगा, फिर एक पल के बाद में ये स्टैग्नेट हो जाएगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी कुजनेट्स कर्व के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए लॉरेंस कर्व के बारे में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये कर्व। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है इनइक्वालिटी की। दिस इज इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्सेस हाउसहोल्ड इनकम के बारे में, हाउसहोल्ड इनकम। अब ये क्या बोलता है इनइक्वालिटी और हाउसहोल्ड इनकम के बारे में, यहाँ पर देखिए कर्व के बारे में, दिस इज बेसिकली लॉरेंस कर्व। यहाँ पर क्या है, जब आप देखेंगे ये आपकी लॉरेंस कर्व है, ये पूरी की पूरी लॉरेंस कर्व है, क्लियर, थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया, दिस इज लॉरेंस कर्व। अब जब आप देखेंगे मान लीजिए 20% पे आप किसी को देख रहे हैं, दिस इज हाउसहोल्ड इनकम, 20% अगर किसी हाउसहोल्ड इनकम है तो उस समय इनकी इनइक्वालिटी कितनी है, उनका कंट्रीब्यूशन मतलब कि शेयर इन इनकम कितना है, उनकी इनकम है केवल और केवल 5%। यानी 20% परिवार ऐसे हैं, 20% हाउसहोल्ड ऐसे हैं जो केवल और केवल 5% ऑफ इकोनॉमी, 5% ऑफ जीडीपी केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, इनकम में। वही अगर 90% के बारे में बात करें तो ये 50%, यानी कि केवल और केवल अगर इतने लोगों को देखें, सपोज इतने लोगों को अगर देखें, तो इतने लोगों को जब आप देखेंगे तो ये क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव करके रखे हुए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये हायर क्लास है, ये हमारा हायर क्लास है और ये हमारा लोअर क्लास है, दिस इज बेसिकली आवर लोअर क्लास। तो ये इतना जो पार्ट आया ये लोअर क्लास के फॉर्मेट में आया, बीच में हमारा, इनफैक्ट यहां तक आप बोल सकते हैं कि ये हमारा लोअर क्लास है एक तरीके से। सिमिलरली आगे आप बढ़ेंगे तो आगे हमें मिडिल क्लास देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद से ये हमारा मिडिल क्लास है, फिर हमारा जो होता है आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप एक हायर क्लास में चले जा रहे होते हैं, जिनका सेक्शन बहुत ही कम है, शेयर बहुत कम है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एक तरीके से इनइक्वालिटी दिखा रहा है, किस तरीके से लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से हायर क्लास में ये एक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है हाउसहोल्ड के बेसिस पे, एक तरीके से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बेसिस पे। तो बेसिकली अगर मैं इस लॉरेंस कर्व पे कोई एक वैल्यू अगर ले लूं, अगर मैं कोई एक वैल्यू ले लूं, तो क्या मुझे वो बता देगा कि आखिर में इनइक्वालिटी कितनी है। सपोज मैं मान लेते हैं कि इस लॉरेंस कर्व की एक वैल्यू ले लेता हूं, दिस इज लॉरेंस कर्व, और लॉरेंस कर्व पे कहीं एक पॉइंट निकल के आता है जिसकी वैल्यू निकल के आती है जीरो। इस जीरो का मतलब क्या है कि ये कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब जीरो यहां पर कहीं पर है, तो यहां पर क्या है, नो इनइक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अगर मान लेते हैं पॉइंट पे कोई वैल्यू निकल के आती है 0.5, सपोज दिस इज द वैल्यू 0.5, यानी ये बंदा क्या है, आधा इनइक्वालिटी है, यानी मिडिल क्लास में आप बोल सकते हैं कि हाफ इनइक्वल है, मतलब आधे लोग इससे ऊपर है, आधे लोग इससे नीचे हैं। अगर मान लेते हैं कि कहीं पर एक पॉइंट निकल के आता है जिसकी वैल्यू होती है 1 का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी हाईएस्ट लेवल पे है, सबसे ज्यादा है हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि क्या वैल्यू टॉप पे आ जाएगी।
तो बेसिकली ये जो पॉइंट पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये लॉरेंस कर्व आपको बता रहा है कि इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, कितने लोग उससे ऊपर है, इस पॉइंट को ही बेसिकली बोला जाता है एक कोफिशियंट जिसका नाम है गिनी कोफिशियंट। तो गिनी कोफिशियंट एक तरीके से बोल सकते हैं लॉरेंस कर्व पे उपस्थित, लॉरेंस कर्व पे ही प्रेजेंट कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ये बता रहा है कि कितनी यहां पर इनइक्वालिटी फैली हुई है। क्लियर हो गया क्या है लॉरेंस कर्व का मतलब? अब जरा इसके बारे में देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लॉरेंस कर्व इंडिकेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। तो बता रहा है किस तरीके से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। गिनी कोफिशिएंट मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ये बता देगा, इसी लॉरेंस कर्व पे कोई एक पॉइंट होगा जो ये बता रहा होगा कि इनइक्वालिटी कितनी है। अगर जीरो है तो नो इनइक्वालिटी है, अगर वन है तो हाईएस्ट लेवल की इनइक्वालिटी है। क्लियर हो गया लॉरेंस कर्व के बारे में क्या है। नेक्स्ट कर्व हमारी आती है जे कर्व। जे कर्व देखिए कुछ नहीं होता है, जे का मतलब होता है जब भी कोई चीज पहले गिरती है और फिर उठती है तो उठने को ही बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एप्रिसिएशन जब किसी चीज का हो रहा होता है उसी को बोलते हैं जे कर्व। ये कहां हो सकती है? ये हो सकती है करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या इनफैक्ट हर जगह कहीं पर भी हो सकती है जे कर्व। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब हमारी मान लेते हैं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा निगेटिव में निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी खरीदारी ज्यादा हो रही है और बेच कम रहे हैं, तो आपका निगेटिव बैलेंस में चले जाएंगे आप। आपने क्या किया, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया, आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया। डीवैल्यूएट करने से इंपोर्ट आपके महंगे हो गए, एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो गए, जिसके कारण से एक्सपोर्ट आपका बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। यानी एक्सपोर्ट बढ़ने से लेकिन जो पैसा आ रहा है अभी भी तो उतना ही आ रहा है, इंपोर्ट से आपका पैसा ज्यादा जा रहा है। भाई अगर 5 किलो अगर यहाँ पर गेहूं मंगवा रहे थे, यहाँ पर भी तो 5 किलो गेहूं ही मंगवाएंगे। यहाँ पर जितनी करेंसी लग रही थी, मान लीजिए $5 लग रही थी, तो अभी भी तो $5 ही लगेगी। अब आप अपनी करेंसी को डिवेल्यूएट करके फायदा क्या किया, फायदा आपने किया एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट जो पहले 5 किलोग्राम पहले होता था, जिसकी रेट पहले $5 होती थी, वो अब 10 किलो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी डॉलर में 5 रेट हो गया, तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ गया। लेकिन फायदा आपका कब होना शुरू हो जाएगा, जब आप इंपोर्ट को रिड्यूस करके अपना एक्सपोर्ट को केवल और केवल बढ़ाना शुरू कर दें। यानी डीवैल्यूएट करने पर, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करने पे शुरू में तो लॉस होगा, लेकिन बाद में फिर एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वंस एक्सपोर्ट डोमिनेट ओवर इंपोर्ट देन करेंसी विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, या फिर करंट अकाउंट विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। और ये पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है हमारे इस जे कर्व में। क्लियर हो गया क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी डेफिसिट के दौरान चल रही है और वहां पर डीवैल्यूएशन कर दिया, डीवैल्यूएशन करने से इकोनॉमी और पहले गिरेगी क्योंकि इंपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इंपोर्ट आपकी, मतलब एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट पे डोमिनेट कर जाएगी, आपकी करेंसी मतलब आपका जो इकोनॉमी है वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देगा, और इसी को बोलते हैं जे कर्व। दिस इज बेसिकली, यहां से इधर जो है उसे जे कर्व बोला जाता है। क्लियर हो गया क्या है? तो जे कर्व इज अ थ्योरी स्टेटिंग दैट अ कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर द डिप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी एज हायर प्राइस ऑन इंपोर्ट विल बी ग्रेटर देन रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इनिशियली। तो ये चीज हो जाएगी। When export become price competitive and imports are reduced due to high cost, BOP turns positive. तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन, जहां पर हम लोगों ने सारे के सारे कर्व के बारे में पढ़ा। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए, इकोनॉमिक्स की और डिटेल चाहिए, तो आप हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सजेशन बॉक्स में मैं इकोनॉमिक्स की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को लगा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, देन यू कैन गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करिए वो चैनल, रेज करिए अपने डाउट। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।